शोला ले टक्कर में, शोला टक्कर में आया था भाई मैं, जयपुर का मैदान छोड़ के बाज गए, आया था मैं शोला। आपके इंटरव्यू में बैठ के वो हर बात झूठ बोल के गए, हर बात उस आदमी ने झूठ बोली। आपका पहला उस स्टेज के ऊपर वहां ब्रिस्बेन के अंदर खड़ा होकर वो मेरे बारे में गलत बोल के जाता, क्या आपको पता इस बात? ना, नहीं पता। और क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर अमित सैनी रोहतक या नहीं, क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर गुलजार नहीं है, क्या इसमें मासूम शर्मा नहीं रहता? आप उन क्या सुरेंद्र रोमियो के ऊपर उसने डिस्ट्रैक्ट नहीं निकाला था? हाँ? निकाला था। हाँ? क्या वो सपना चौधरी के साथ स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या उसने देव कुमार देवा के गले भरे स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या राजू पंजाबी के गले लड़ाई को नहीं हो रही थी इसकी? हो रही थी। लेकिन मसला ये है कि उन वक्तों के अंदर सोशल मीडिया नहीं होता। जैसे आपकी कोई पोस्ट आ गई तो उसमें दो ग्रुप के लोग पाओगे, के डी वर्सेस ढांडा। तो भाई जैसे कि अगर मैं, चलो इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं, आप खुल के पूछो मेरे दोस्तों, क्योंकि डिस्क का बेसिकली ये है कि भाई मेरी नजर में तो डिस्क ट्रैक होया करे जो ओवर 2 मिनट 3 मिनट का। अच्छा, अगर आपने किसी आदमी को एक या दो लाइनों के अंदर जवाब दिया, मैं कौन मानता कि वो डिस्क ट्रैक में आवे? ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा वो डिस ट्रैक में नहीं आता, मे बी इट्स जस्ट 1 or 2 लाइन। हम ना भी तो डिस करेगा नहीं किसी, जिस दिन हम करेंगे ये मेरा आपसे वादा है, उगाड़ उगाड़ के देखा या बनी किसके गल है। तो अभी हमने डिस्ट्रैक्ट तो निकाला ही नहीं किसी, तो हम एज ऑडियंस तो उसने नो कंसीडर करा कर। मे बी ऑडियंस तो ऑडियंस है ना ब्रो, आपकी सोच के दायरे कितने हैं मैं थोड़ी ना जानूं। पर ये बात, एक बात बताओ कि आप उस गाने में टैग थोड़ी ना दोगे कि इट्स अ प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट, आप कभी बताओ थोड़ी ना कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ डिस्ट्रैक्ट। Then how you think के भी ये track distract है? क्योंकि give an example. हाँ. For example मेरे tracks हैं. And let me know कि ये track distract था. Then I will let you know. ठीक है. I know आपसे सवाल नहीं निकल रहा है मुझे, but मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि आप बताओ. जैसे recently KD देसी रोक के साथ हम interview करके आए थे. जी. तो मन ने उन तक कही थी कि ढांडा न्योलियाला जो है वो म्यूजिक लेकर आया भाई हरियाणा में बाहर का म्यूजिक. तो आपने उस उनके खातर एक पोस्ट भी दे दी थी कि भाई बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके जो है खातर उनने एक गाना में कुछ ऐसी लाइन बोल रखी थी कि 12 साल तक तने कदे लाइव रैप नहीं करा और मन्ने देव चढ़ के सटेजा पति जान। यस जी। तो उसके बाद मैंने तो यह बात कही, तो भाई केडी भाई का यही कहना है कि भाई मन्ने तो उस तक कुछ कही को नहीं, लेकिन मेरे नु समझ में आ रहा कि वो उसने किस बात खातर मेरे तक क्यों कही है। उसने ये बोला था कि डांडा का कॉन्सेप्ट तो मेरे समझते बार वो किस बात की कंट्रोवर्सी बना रहा है, मन तो पता ही नहीं। हाँ, सही बात। ये वर्ड है। याद कर दोस्त और दुश्मन का देखो मुझे। हाँ। वो मेरा याद है पर्टिकुलर। अब वहां से तो मैं जवाब ले आया। तो क्या जवाब है आपका इसमें? मैं स्ट्रेट पूछूं ना फिर? क्यों? तो आपके अब इसमें दो सवाल इंक्लूड हो गए। पहला सवाल जो अभी आपने शुरुआत करी जिस तरह पोस्ट डाली, दूसरा आप कह रहे की कंट्रोवर्सी, तो हम पहले पोस्ट पे आते हैं भाई। जब उन्होंने पोस्ट डाली थी वो उनका बड़ापन है भाई कि उन्होंने उस चीज को देखा। आप आज भी उस पोस्ट पे जाओगे तो उसके नीचे ढांडा न्योलियाला की आईडी से एक 200 वर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ कमेंट मिलेगा कि थैंक यू सो मच, आपका बड़ापन है, आप सीनियर आर्टिस्ट हो, आपने इस चीज को शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने इस नजरिए से बात चीज करके छोड़ दी, ठीक है, आप अपनी जगह हो, मैं मेरी जगह हूँ, आपने अच्छी लगी आर्ट बात शेयर करी, मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया, यह बात यहाँ मुका है। तो मैं एज एन ऑडियंस नहीं सोचूंगा भाई उसको, एज एन आर्टिस्ट, मैं एज एन आर्टिस्ट सोचूंगा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट ब्रो मैं उसको 10 डिफरेंट जॉनराज में जाके सोचूंगा कि व्हाई ही डिड दैट थिंग, क्यों करी होगी। मे बी उसने ये सोचा हो कि जब दोस्त बनाने से काम हो तो दुश्मन क्यों पाले, तो नो कॉम्पिटिशन। शायद उसने ये चीज सोची हो कि भाई आज हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो देर विल बी नो एनिमी इन फ्यूचर, चाहे आप सही करो या गलत करो, ये तो आपके खिलाफ नहीं खड़े मिलेंगे। शायद उसने यह चीज सोच रखी हो कि भाई मेरी एल्बम आनी है और कल को अगर आज मैं शेयर करता हूँ तो कल को ये मेरी तरफ चल के आवे। इसको मेरा मकसद मेरा म्यूजिक कर दे रहना है, आप मेरे चलते रस्ते के अंदर आपको मेरी आर्ट पसंद आई, आपने उसको शेयर किया, मैंने अच्छे लफ्जों में उसको वापस कर दिया कि ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे या जो भी है भाई कभी हंस के मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तेरे तड़ा ला के बैठ जाऊँ। आवाम का देखने का नजरिया अलग है कि भाई उसने शेयर करी और उसने यह चीज़ कर दी, जो आप कह रहे हो कि भाई कंट्रोवर्सी हुई या हुई, असल किनारा तो किसी को नहीं पता इसका। मे बी आपकी नज़रों में भी नो मर्सी के टाइम से ना ये चीज़ें जी, नो मर्सी से शुरू हुई। नो ब्रो, आपके इंटरव्यू में बैठ के वो हर बात झूठ बोल के गए, हर बात उस आदमी ने झूठ बोली। आपका पहला सवाल था कि भाई आपने किसी चीज को अप्रिशिएट किया, उसने यह चीज कर दी, आपके ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट सुनने को मिला, ये वर्डिंग थी आपकी। हाँ, डिस्ट्रैक्ट। जी जी डिस्ट्रैक्ट। हाँ, उसमें वर्डिंग क्या थी मेरे गाने के अंदर?
जो शो भी लावांगे तेरी टक्कर में, रही है ना किसे भी चक्कर में, लिख के देवा तना ढांड आने वाली आला की तो या तूने पढ़ा तेरी चक्कर, यही लाइन थी मेरी। ठीक है, आपके इंटरव्यू में बैठ के हो क्या बोलता आदमी, बोले ये लाइन तो मैंने जब लिखी थी जब ढांड आई इस लाइन में था भी नहीं, वो झूठ है भाई। जब थे आप नहीं, इसका मतलब आपको पूरी बात कही नहीं करा। न्यूजीलैंड शो लगाने के लिए गए थे बैक बाइट गाने के बाद में, उनकी लगा कि कोई बंदा बोलने लग गया, और न्यूजीलैंड का शो फिनिश करने के बाद वो आदमी ये पोस्ट करता है। अब आप पढ़ के बताओ मेरे, शो लाले टक्कर में फिर देख कौन गाना गी गाल शक्कर में। हाँ, आपके इंटरव्यू में वो क्या बोल के गया था कि ये गाना कब का है, कि जब ढांडा लाइन में आया भी ना था। आया नहीं था। ये लाइन है उसने आफ्टर बैक बाइट गाने के और न्यूजीलैंड शो फिनिश करने के बाद उसने पोस्ट करी थी, रोटी खा के सो सारे ब्रो समझा। उसके बाद चार दिन के बाद वो जिस शहर में मैं ब्रिस्बेन रहा करता ना वहाँ पहुँचता हूँ, उस स्टेज के ऊपर वहाँ ब्रिस्बेन के अंदर खड़ा होकर वो मेरे बारे में गलत बोल के जाता, क्या आपको पता इस बात? ना, नहीं पता। और उस दिन उस शाम को उनका शो फिनिश होने के बाद उसका चेला ये पोस्ट करता है, जरा पढ़ के बताओ भाई मेरे को, शो लाले टक्कर में फिर देख फक यू इट इज लव यू ब्रिस्बेन। आपके इंटरव्यू में वो क्या कह के गया है कि गाना जब डांडा लाइन में था नहीं था। हाँ। ये क्या है? तो ब्रो सारे आदमी रोटी खावे हैं, समझा सब है, लेकिन मसला यो है कि लोगों तक वह बात कौन पहुंची कि इन लोगों ने यार हरकत करी है। ठीक, मैंने है। बोला वो पहुंच गया, लेकिन मेरा भी अपना उसूल था कि मैं पॉइंट से बाहर नहीं गया हूँ। ठीक है, आउट ऑफ पॉइंट तो नहीं गया, आपने ये हरकत करी है स्टेज पे आके आप गलत बोले हो। उसी बात का मैंने जवाब दिया कि भी मन देव चढ़ के स्टेज जा पे गया है। ठीक बात, तू पोस्ट कर रहा है कि शो लाले टक्कर में, शो लाम टक्कर में आया था भाई, मैं जयपुर का मैदान छोड़ के बाज गए आया था मैं शो लाम टक्कर में डटे को नहीं है। लेकिन गलती ये नहीं कि भी वो कहे ना किसी ने, अधूरा ज्ञान उस औरत के समान होता जो अवैध संबंधों के कारण गर्भवती होती है, बच्चा तो हो जाए पर उसका कोई वारिस को नहीं होता, लेकिन आपको पता ही नहीं है शुरू कहाँ से हुई है। और उनको जो दिक्कत हुई है ना शुरू, वो बैक बाइट गाने से हुई, वो नो मर्सी नहीं है, वो बैक बाइट है। यहाँ तो आपके लगते बॉर्डर में तो एक स्टेट है जो कोचेला परफॉर्म कर रहा है, जो बड़े बड़े स्टेजेस चल रहे हैं, उनका संगीत डे बाय डे ग्रो होने लग रहा है, और एक यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं और एक कम्युनिटी सेंटर को हॉल को बुक कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ बुक करके, और 25 कुर्सियाँ लगा के वहाँ पे, और एक माइक पकड़ के और पीछे बड़ा बैनर लगा देते हैं कि सर्व हरियाणवी तीज मेला, ये लगा के और वहाँ पे लोगों को गुमराह करके वापस चढ़ के अपनी जेबें भर के घर पे आ जाते हैं, और वो उनके घरों में बैठ के नाच रहे हैं, और जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होने लग रही हरियाणवी म्यूजिक के लिए। हमारी लड़ाई सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए, पर वो कौन सी चीज़ आवाज उठाई थी, पर वो कौन सी चीज लैक कर गई इस मामला, जैसे आपने को वो लैक ये कर गए भाई, एक एज अ सीनियर आर्टिस्ट आपके फर्ज बनते हैं जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हरियाणा को, बाहर की जगह पे जा रहे हो, जिस मैनेजमेंट के साथ आप शो कर रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको बोलें कि भाई चाहे मेरी फीस घटा दें, लेकिन हरियाणवी के लिए मुझे एक पर्टिकुलर स्टेज चाहिए कि जहाँ मेरा म्यूजिक में रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं वो इस तरिया से नजर आना चाहिए। ये नहीं कि भाई पांच जने आए भाई फलाना की लड़की आ गई इसको इनाम दे दो, 15 अगस्त वाले फाड़े प्रोग्राम भी अगर आप वहां जाके इतने बड़े दर्जे पे करके आ रहे हो तो सेम होनी है भाई। आपने आपको बड़े बड़े लोग शायद अभी बात आगी वो उनके इंस्पिरेशन, शायद अभी बात आगी वो उनके इंस्पिरेशन है जो जिन लोगों की शायद वो आपको बड़े दर्जे पे देखना पसंद करते हैं, तो आप उस दर्जे का काम भी तो करके दिखाओ ना यार। आप बाहर आ रहे हो, आपने अपनी जेबें भर ली है, आप शोज तो रख रहे हो, शो हो रहा है, आप हरियाणा गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हो कि हम हरियाणवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े दर्जे के ऊपर, लेकिन उसका काम तो को नहीं होने लग रहा है यार, वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। आपका एक पर्टिकुलर गूंज एक ग्रुप है 3 से 4 आर्टिस्ट का, आप एवरी टाइम वही लोग आते हैं, क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर अमित सैनी रोहतक या नहीं, क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर गुलजार नहीं है, क्या इसमें मासूम शर्मा नहीं रहता, आप उनको भी कभी नहीं लेके गए अपने साथ, ये रिप्रेजेंट करने गए थे हरियाणा को। कि ये जो जान लग रहे हैं जैसे केडी देसी लोग जो बाहर गए हैं उनका जो इनवाइट करे हैं जो शो खातर वो उनके सर्कल में है या फिर रिलेशन में है, उसकी वजह से वहाँ का जो स्टेज और जो शो रिप्रेजेंटेशन है वो उस लेवल का को नहीं हो पाता, और बाकी जो आर्टिस्ट जावे हैं मैं ये कह रहा हूँ जिस आदमी की बात कर रहे हो उसके साथ गया कभी अमित सैनी नहीं लेके गए हो
गुलजार गया कभी उनके साथ? वो तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस रही होगी ना परवीन भाई। फिर आप हरियाणवी का झंडा ना उठाओ ना कि सर्व हरियाणवी टीम में, ये सर्व हरियाणा का। वो तो रिप्रेजेंट जो शो ऑर्गेनाइजर है उनका काम है। तो रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भाई उस दर्जे पे रिप्रेजेंट तो करो ना। तो आप लोगों को अगर कोई छोटा, मैं हरियाणा का आदमी हूं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मे बी मैं आई कुड बी अ लिसनर, मैं एक लिसनर हो सकूं, क्या पता। ठीक है छोड़ दे मैं सिंगर, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, क्या आपके मुंह में जुबान नहीं है? क्या आप मैनेजमेंट को बोल नहीं सकते कि भाई हमें ये स्टेज मुहैया कराओ? मैं ये स्टेज बड़ा अगर मुझे मिलेगा तो आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी ये स्टेज एज इट इज वो वहां से शुरू तो करें। अगर अब उनके पास स्टेज ही नहीं है, शो तो हमने भी करा है, सीमर देसी मेलबनी है भाई है वहां से, हमने भी करे हैं भाई शो वहां पे। तो चाहते तो कम्युनिटी सेंटर हमते भी मिल जाएगा, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए, कर सकते हैं हम भी। ठीक बात है, जेब से पैसे लगाए भाई, उस एटलीस्ट वो लोगों को दिखाएं तो कि हाँ भाई मेरा म्यूजिक ग्रो हो रहा है, कि ये उस दर्जे पर चमक रही है चीज़ें, कि हम भी औरों की तरह ग्रो कर सकें। एक आस तो दे यंगस्टर्स को, हमारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए उनके साथ जंग थी। मेरे पास म्यूजिक रैप एक जरिया बात कहने का, तो मैं उसके हवाले से मैंने उनके सामने बात रखी कि यार ये सब चीज़ें नहीं चलेगी जो आप कर रहे हो, प्लीज इसको इम्प्रूव करो। हालांकि इस गाने में कोई गाड़ी गलौज तो है ही नहीं। नहीं, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, आप आ रहे हो न्यूजीलैंड, आप जा रहे हो कहीं भी, लेकिन आप लोगों के घरों में जा जा के नाच रहे हो, जहां आपको परफॉर्म करना चाहिए, जहां जहां नजर आना चाहिए कि भी हम यूथ हैं वहां की, हम भी बढ़ चढ़ के जावा कि यार अपने आर्टिस्ट आए हैं यार उस दर्जे पर काम होने लग रहा है, वहां तो काम नहीं कर रहे आप, सिर्फ बैक बाइट। गाने से इनको दिक्कत शुरू हुई थी कि कोई बंदा आया जो हमारे खिलाफ बोलने लगे, वो मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, मेरी हरियाणवी म्यूजिक की लड़ाई। अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो एक शहर के अंदर या एक गांव लगा लो, उसमें आग लग जाए, और जब उसमें आग लगा ना तो सारा गांव भाग रहा हो दूर उसको छोड़ के, और एक चिड़िया होगा वो वहीं बैठ के देख रही है उस मंजर, फिर वो बाज के जावर तालाब में जावर चोंच भर के उस गाँव की तरफ फेंक दें, वह फिर जावर उस गाँव की तरफ फेंक दें, तो ऊपर से परवरदिगार देख रहा हो और वो आवाज़ लगा के तू पागल तो नहीं कि तेरी एक चोंच पे आग किस तरह बुझ गई? तो चिड़िया जवाब देती है कि भाई मुझे भी मालूम है कि आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब कल को तारीख लिखी जाएगी ना तो मेरा नाम बुजदिलों में नहीं आएगा। तो वही काम अब हुआ है, आवाज़ किसी को तो उठानी पड़ेगी जो ये सिस्टम चलता आने लग रहा है पिछले टाइम पर। आई नो कि मैं आवाज़ उठाऊँगा बगावत होनी है, दो ही चीज़ें, या आवाज़ दबा दी जाओगी या आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे। दबाने का इतना दम को नहीं दूँ मैं कि वो मारी आवाज़ दबाऊँ, लेकिन खिलाफत हमारी हुई है तो किसी ने तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना यार, कि एटलीस्ट आप उसको रिप्रेजेंट करो बड़ा दर्जे पे। और मेरी उसके गले पर्सनल थोड़ी ना कुछ भी, पर्सनल हो तो हमें गाने में कमता डेढ़ दे पर्सनल आड़े रहो भाई, वो कैमरी रोड पे गणी दूर घूमने भाई सारे रहो, तो मैं उससे मिल लूँ पर्सनली अगर पर्सनल हो तो। लेकिन ये आज भी मैं आपके सामने कहूँगा और इन फ्यूचर भी हम चाहते हैं कि भाई यो म्यूज़िक ग्रो हो यार, लेकिन ये किसी एक बंदे की या एक या दो बंदों के काबिज लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ सब ग्रो होंगे। एक सवाल है मेरा आपका, क्या सुरेंद्र रोमियो के ऊपर उसने डिस्ट्रैक्ट नहीं निकाला था? हाँ? निकाला था। हाँ? क्या वो सपना चौधरी के साथ स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या उसने देव कुमार देवा के गले भरे स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या राजू पंजाबी के गले लड़ाई को नहीं हो रही थी इसकी? हो रही थी, लेकिन मसला ये है कि उन वक्तों के अंदर सोशल मीडिया नहीं होता, ये जो सराफत के मुखौटे ही पहरे ने इनने, ये ऐसे फेक होने पहला आपका टेम में ना आदमी भी आदमी बनता नहीं, और जितनी चाली उतनी चलाई इन्हें, लेकिन जब पता लगा कि नई नस्लें हैं ये गुनगुना भाई। एक बात मेरा याद आ रहा है, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मतलब जब सामने वाले का असली जो नकाब के पीछे का चेहरा वो आपको पता लग जाए तो उसकी इज्जत आपकी नज़रों में दो कौड़ी की नहीं रहती। तो ये है, तो हमने तो उसका पता है। और वो क्या था ट्रैक टू था के कुछ क्या था कि नया ट्रैक निकाला मैंने बना लिया था क्या था उस सवाल का? हाँ, अच्छा, मेरे को बताओ। हाँ, मैंने तो पूछी थी कि आपने फिर उसका रिप्लाई क्यों ना लिखा, तो उन्होंने केडी देसी रोक ना केडी वाइट रुकी थी कि भाई मैंने डिस लिख लिया था 10 मिनट का, लेकिन जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है गन्नू भाई उन्होंने मना कर दी। आपके इंटरव्यू में पहले किनारे पे बैठ के तो उन्होंने कहा कि मैं 9 मिनट का ट्रैक लिख लिया था। No, हाँ, मतलब उसी इंटरव्यू में बैठ के वो कह रहा कि मेरे को ऐसा नहीं करता भाई, मैं तो उसी टाइम डिलीट कर दूँ, मैं दिमाग में को रखा करता किसे दी 9 मिनट की बातें किसी आदमी के ऊपर लिखने के लिए, इस दिमाग पे एक राइटर ने कितना जोर देना पड़ेगा मुझे है 3 मिनट का गाना लिखने का है। और वो जो कह था कि मैंने लिख लिया था, ये है वैम की एक दिक्कत हो भाई। तो आप लोग का ओके वो ऐसा कुछ है ना? नहीं होगा बिल्कुल। हाँ? लिख लिया होगा। हाँ? मगर वैम की एक दिक्कत हो, यो काट डेड़ा लिखड़ा नहीं लिखड़ा,
पर मैं कोई तोते को बांधाड़ ना मेरी कलम में शाही मुखी, तो कोई बात को नहीं, वो जब दिल करे जब काट लेगा, उसकी 9 मिनट पर मेरी 2 मिनट हमेशा आ गई होगी जब दिल करे। परवीन भाई एक चीज बताइयो, स्टिल मैं फिर पूछना चाहूँ कि कुछ लोग इस चीज ने सिर्फ गाना तक ही शायद रखना चाहें कि मेरा आप तो पर्सनली मिले फिर वही वाइब हो जाए। नहीं फिर उड़े बात आ गई यार, अब जिस आप जिनके साथ कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैक हम जाएं तो ब्लड तो एक ही है ना, और भगवान ना करे उसमें कभी ऐसा बुरा वक्त आवे भाई, ना करे वो अच्छा बचता रहे, और अगर उसके अंदर कभी भी ऐसा वक्त आओ तो डांडा नेवली वाला उसके साथ खड़ा मिलेगा। ये नफरत नहीं है कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो हंसदा बसदा रहा अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने इसकी क्रिएट कर, लेकिन मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप उस पर वार करोगे हम भी फिर भाई उसका विरोध करेंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप मर्दे हो तो माफी मारा नहीं ना, फैंस खातर ये है ना, थोड़ी हीलिंग सी है ये वर्ड जो आपने डिलीवर करे ने, जो फैंस है ना, जो दो पार्टी जो मेरा अंदर है इमोशंस में आपको वो बता रहा हूँ ऐसे, लेकिन लोगों ने इसको और तरीके से पेश करा, जिन लोगों ने पेश किया उनके फिर हमने नात गा लिया अपने तरीके पर, क्योंकि ये बढ़ चुकी थी ज्यादा बात। अब मेरा एक गाना है एक्सवीर गरेयाल का गला चर्चे गाना आना, उसमें एक लाइन है कि माँ की दुआएं आ गया आना है, अच्छा उसमें लाइन है माँ की दुआएं मेरे साथ साथ सिकरा में गुड्डी क्या बात है बात है, भाई टाइम से पहले रह जो रिटायरमेंट ले गए इनका करियर खाने में मेरा हाथ है। अच्छा क्या भाई रिटायरमेंट ले गया वो भाई है ले गया नहीं नहीं फिर यार, लेकिन लोगों को मजा आवे कि आपने जो लिख दिया सीधा उड़े मारो देखे अरे यार अच्छा जस्ट वो राइम्स है यार, कोई पर्सनल हेट नहीं है यार, यही था कि आप आओ हो आप हरियाणवी को रिप्रेजेंट करें, आप उसको उस दर्जे पर रिप्रेजेंट करो कि और आर्टिस्ट जो आओगे ना उनकी जीरो तो बॉटम तो शुरू नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट उनको वो जो बाहर बैठी मैनेजमेंट से वो स्पॉन्सर्स बैठे वो उनको वो का वो स्टेज उनको दें कि जाओ भाई लेट्स परफॉर्म, हम आपको ये स्टेज दे रहे हैं, ये हरियाणवी का एक लेवल है, वहाँ आप उसको लेके आते, इसकी हमारी जंग थी, इसीलिए हमने बैकबाइट गाने के थ्रू उनको एक हल्का सा जवाब दिया कि भाई ये चीज़ें ना करो, आप यहाँ आ रहे हो आप इसको अच्छे तरीके से पेश करो, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नेगेटिव ले लिया कि भाई कोई हमारा खिलाफ बोल लिया, अब किसी ने तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना यार, वह अगर हमने शुरुआत कर दी वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी। जैसे कि भाई आर्टिस्ट में आर्टिस्ट कला तो अगर आप हटा दे वहाँ तो आदमी ना आदमी तो कोई नफरत कौन चितने सिंह, ठीक बात है, कल ना बाप तो पर्सनली बात करना, तो आप मिलोगे मिलन जुलन बात करन बैठन पर्सनली बात, आई डोंट नो यार कि जिस तरह अब आपके इंटरव्यू को फिनिश करते हुए उसने एक बात बोली थी। हाँ बोले अभी कोई काल का बाड़ा कह के इंडस्ट्री में ने को कह के बाबू बाबू पंजा लड़ा हुआ के, तो बाबू तो बोले अस्तिन में कह गया बोले आ रहा बोले अलम आ रही मैं पंजा लड़ा लू, कुछ ऐसी बात बोली। हाँ ठीक बात यार, तो इनडायरेक्टली आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो, आपको बाप बनने का सोच रहे, इनडायरेक्टली तो आप किसी की माँ को ही गाली दे रहे हो। एक चीज मैं ऐड करूँ, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव को नहीं हो पर मैं आप तो बता दूँ, अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो हम दो आर्टिस्ट का जिक्र हुआ था उसमें, इट डजंट मैटर इंसान तो वो भी है ना जिसके बारे में उसने बात, मैं उस तनु भी ना कह रहा कि वो उन तक ही है उस आर्टिस्ट है, हाँ बोला तो इंसान को ही है ना, लीव मेरी तो बात है छोड़ दे ब्रो, मैं मेरे उसका कोई मैं फर्क कौन मानता, जवाब देना होता अगर मेरी सोच इतनी गिरी हुई होती, वो एक लड़की का बाप है जो जवान होने लग रही है, एक लड़की का वो भी बाप है जो जवान हो रही है, चाहूँ मेरे के जवान क्यों नहीं, आप किसी कोई इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी उम्र 40 के करीब है, चुनाव तो लफ्ज़ों का सही करो कि आप एग्जांपल क्या दे रहे हो और क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं बोल नहीं सकता मेरे भी जवान, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी होनी कि मैं उस आदमी को सद पर जाके बात करूँ, करेंगे जब ब्रूटल अगर आप आओगे बन के हम उस हद पे भी आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन वो बहुत गलत था, आपको कभी भी इन लफ्जों का इस्तेमाल ना करना चाहिए, आपकी इतनी उम्र आपको पता नहीं कितने लोगों की इंस्पिरेशन हो शायद आप हैं, लेकिन आप बोल क्या रहे हो, एक बात बोल दी थी उसने बोला भाई चलो मन डिस करके किसी का तो नाम होने लग रहा है, किसी के माँ बाप तो खुश हो रहे हैं, मेरे माँ बाप को मेरी म्यूजिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, और मेरे माँ बाप को अगर मैं तमाम उम्र में कोई खुशी दे पाया हूँ तो यह दी गई उनके जिंदगी में मरिया हुई नहीं उतनी, यह उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप जैसा कर रहे हो आप वैसा भरोगे। जैसे कि उन अपने इंटरव्यू में आपके बारे में एक अच्छी चीज़ भी कही कि यार डांडा के वोकल्स बहुत बढ़िया हैं, एक और इंटरव्यू में यह बात रिपीट हुई थी। सो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट जो है आपका ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी हुआ है, जब भी आप दुनिया ने लिख पाओ कलम में
तो आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उनका कोई क्राफ्ट जो आपने लगे यार ये सही है उनका? इज अ गुड पॉलिटिशियन, इज अ गुड पॉलिटिशियन, उसको राजनीति बड़ी अच्छी आती है। ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, इट्स अ सीरियस कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ वेरी सीरियस कॉम्प्लीमेंट। आप अपने सबसे खास दोस्त को आगे करते हो और आप ब्रिस्बेन शो के अंदर कहते हो कि ये तो मेरा इतना खास दोस्त है कि हम तो एक एक कच्छम टांग हाल के सो वहाँ के, ये तो नरवाण है बस अड्डा पर मेरे खातर गंडा जूस लिए खड़ा पाया करता। और वही दोस्त फिर आज से 15 दिन पहले मेरे को थ्रेट देता है ब्रिस्बेन के अंदर कॉल करके, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्टें करके कि हमें चक दिया गया है, हमें न्यू कर दिया गया है। जरा पढ़ के बता मैं इसमें लिख रहा क्या, वार्निंग ऑस्ट्रेलिया में जो भी जे किसी ने केडी खासा आड़त है किसी ने किमें कहा है तो खुद जिम्मेदार होगा। ये इसका सबसे खास बंदा है। अगर मेरा दोस्त है सिमर, अगर वो कोई पोस्ट डालेगा क्या लगता है उसमें मेरी रजा नहीं होगी? और वो किसी को इतना गलत बोल रहा है तो क्या लगा आपकी उसने मेरे से सलाह मशवरा नहीं करा? कुछ वो सीन भी हो गया था 15 दिन पहले की बात है। अच्छा ये थ्रेट देने के लिए पहुंचते हैं वहाँ पे किसी के घर के बाहर के ब्रन किस पे पहुंच रहा है घर के बाहर काम पे जा रहा होगा दिखे को नहीं कार्ड बोला मैं कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ बता दियो कि नहीं दिक्कत हो तो रिस्पेक्ट तो बात कर रहा है ठीक है। ये उसका सबसे खास बंदा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये पोस्ट करता है बोले भाई हम तो न्यू कर दिया इंस्टाग्राम पर मधुमान बनना बहुत ईजी है तो ये उसका दोस्त है। क्या लगता है आपको इसमें रजा को नहीं होगी इसकी? अगर आपका सबसे चहिता यार है जो 24 घंटे आपका कैमरा पकड़ा और वो किसी आर्टिस्ट के खिलाफ पोस्ट करता है क्या आपको पता नहीं होगा सर? मैंने बेरा होगा कि उसने कर दिया पता होगा। अगर आप अच्छे इंसान हो आपका फर्ज बनता है कि ना ब्रो ये हरकतें मत कर, वो भी अपना हरियाणा का भाई है, मेरा चाहे 100 मतभेद उसके गले अपना भाई है ना, ये हरकतें ना करे। किसी को लाइफ थ्रेट पे आप जा रहे हो उसी टाइम के अंदर जब नौ मर्सी निकला उस टाइम भी इसने हरकत करी थी, इसका फर्ज ये बना था कि ना भाई इस बात को इतना मत बताओ ठीक है। हमने स्टेज पे इस्तीगल बोल दिया अगला ने आपका प्रहार कराया, लेकिन लोगों के सामने वो जिस अंदाज में पेश करी गई ना चीजें की भी ढांढ आना चीज शुरू करी भाई मेरा उसके गले खेल लगा ना मेरी डोली लग दी कुछ भी बन लगा। रिसेंटली कोई आर्टिस्ट अप्रिशिएट कर रहा है ऐसा कुछ? क्रिश राव ठीक है, कमाल है। मिकी मलंग गामड़िया रोन लिखारी है अंडररेटेड आर्टिस्ट, लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है ना 2 या 3 रैपरों के अलावा बात करने की। लोग मेरा जिक्र कर लेंगे या 1-2 रैपर जिक्र कर लेंगे, लेकिन हम तो जर्नी तो निकल दिए ना मेरे भाई, जरूर तो उन लोग आती है आप उनका जिक्र करो। एक यमराज करके लड़का है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत हैं भाई और इनकी आर्ट में भी दम है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा